हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप बहुत अच्छे हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फैजगी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू। और आप हमारी कंपनी का नाम पीछे देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन जर्मनी विदाउट आइल्स टॉफिल पीटी। अगर आप फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं देना, चाहे वो आइल्स हो, टॉफिल हो, पीटी हो, कैम्ब्रिज हो, कोई भी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट हो, अगर आपको नहीं देना तो आप मत दीजिए। क्योंकि जर्मनी में आप विदाउट आइल्स टॉफिल पीटी किसी भी इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट के बिना आप जर्मनी में एडमिशन पा सकते हो। और ये कैसे पॉसिबल है मैं आपको जर्मनी की यूनिवर्सिटी पर जाकर शो करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि हाँ, आप जर्मनी में विदाउट आइल्स टॉफिल के भी पढ़ाई कर सकते हो। सो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आपको डेली जर्मनी की और दूसरी कंट्रीज़ की वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट करना कि किस टॉपिक पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, ताकि उससे आपको बहुत फायदा हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। जर्मनी में इस टाइम मोर देन 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट को मिलाकर। इसके अलावा बहुत सारे ग्रेजुएट स्कूल्स भी हैं जर्मनी में। सो जर्मनी में बहुत सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को ऑफर किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर। सो अगर आपकी कोई भी फील्ड हो, BBA, MBA, इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी आपकी चॉइस की फील्ड हो, आप कोई भी कोर्स इस टाइम जर्मनी में इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं और कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में। सो ये जर्मनी की इस टाइम रियलिटी है कि आप कोई भी फील्ड से हो, आप अपने सारे कोर्स इंग्लिश में कर सकते हो जर्मनी में। सुनाओ अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने बताया कि आप अपनी एजुकेशन जर्मनी में विदाउट आइल्स एंड टॉफिल के कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 400 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं जर्मनी के अंदर। सो जो जर्मनी की जो सरकार है वो ना बहुत लिबरल है। जर्मनी की सरकार ने ये राइट्स दिया हुआ है यूनिवर्सिटीज़ को, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। आप खुद से डिसाइड करो, जितने भी आप कोर्सेज ऑफर करते हो, चाहे बैचलर डिग्री है चाहे मास्टर डिग्री है, जो भी आप कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर करते हो, आप डिसाइड करो कि उसके लिए आपको इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत है, क्राइटेरिया उसको रखना है या नहीं। तो इसी चीज़ का ये यूनिवर्सिटी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उसका फ़ायदा उठाती है, लिबर्टी का, और डिसाइड करती है कि हाँ, उनको इंग्लिश जो रिक्वायरमेंट है वो रखनी है या नहीं रखनी। सो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इसको रिक्वायरमेंट रखती हैं एंड बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं रखती, जो मैं एग्जांपल आपको दिखाकर शो करूँगा, जिससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा। सो आई होप कि आप ये बैकग्राउंड समझ गए होंगे कि क्या रीज़न है कि इंग्लिश टॉट जो प्रोग्राम्स होते हैं जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको नहीं रखती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज मैं पढ़ाई करना चाहते हो और कोई टेस्ट नहीं देना चाहते हो, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप फिर भी जर्मनी में पढ़ सकते हो। सो नाउ अब मैं आपको शो करूँगा एग्जाम्पल दिखाकर, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। सो नाउ अभी एग्जाम्पल को शो करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स की, टॉफिल की, पीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कनाडा में उनको एडमिशन मिले और ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, आयरलैंड में, यूके में, अगर आपके रिक्वायर्ड बैंड्स नहीं आ पा रहे, अगर आप जो क्राइटेरिया है इन कंट्रीज़ का नहीं मीट कर पा रहे, सो आपको डिसहार्टन डिसअपॉइंटेड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जर्मनी को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लैंग्वेज का कोई पंगा है ही नहीं। आप इजीली जर्मनी में जो गोल्स आपने दूसरी कंट्रीज़ के लिए देखे हैं, वो आप जर्मनी में भी पूरे कर सकते हो। और आपको समझना होगा कि जर्मनी दुनिया की तीसरे नंबर की कंट्री, इनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, और जो भी आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, वो सारे गोल्स आप जर्मनी में पूरे कर सकते हो। सो आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि आपको अगर बैंड्स नहीं आ पा रहे, तो आप निराश मत हो। सो जर्मनी को आप चूज़ कर सकते हो बिना किसी डाउट्स के, बिना किसी डायलेमा के, बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर में आपकी स्टडी के लिए जर्मनी में। एंड नाउ लेट मी शो यू एग्जाम्पल जिसका आप वेट करो, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए। सुनाओ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है टेक्निशर हॉकशुल इंगोलस्टाट।
यानी कि ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है और ये बैचलर डिग्री कोर्स है, यहाँ पे देख सकते हो इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। सो यहाँ पे लिखा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर जो बैचलर डिग्री सेमेस्टर आप देख सकते हो 7 है, विंटर में स्टार्ट हुआ कोर्स और लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश, यानी कि मैं आपको शो कर रहा हूँ एग्जैक्टली रियलिटी। तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंग्लिश में, तो ये कोर्स है पूरा का पूरा, आप देखते हैं जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या बोला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज स्किल्स, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश। द प्रोग्राम इज टॉट इंटायरली इन इंग्लिश लैंग्वेज, एक्सेप्शन कोर्सेज ऑफ सेमेस्टर 1 and 2 मे ऑल्सो बी अटेंडेड इन जर्मन। कोर्स है पूरा इंग्लिश में ही है, लेकिन इन्होंने लिखा है मे ऑल्सो बी, यानी कि कुछ हिस्सा होगा उसका, लेकिन दैट डजंट मैटर, कोर्स आपका पूरा ही इंग्लिश में है। आगे लिखा है सफिशिएंट लैंग्वेज स्किल्स आर इसेंशियल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द कोर्स वर्क। नोट, अब ये लाइन देखना, नोट दैट वी डोंट रिक्वायर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सच एज टॉफल और आइल्स। तो आप खुद भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इनको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर आपने अपनी जो स्टडी की है, अपने जो स्कूलिंग की, अगर आपने इंग्लिश मीडियम में की है, तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, सब कुछ। सो एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, बैचलर डिग्री है और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो इनको नहीं चाहिए। अब एक दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको दिखाता हूँ, ये भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लिखा है हॉफ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। अब ये मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, पहले मैंने बैचलर का दिखाया था, मास्टर डिग्री, मास्टर अप्लाइड रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि ये पूरा कोर्स का नाम है। अब इन्होंने ये ब्रोचर दिया हुआ है, फ्लायर फॉर द स्टडी प्रोग्राम, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा, यानी कि पूरी आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मॉड्यूल है, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो हम नीचे ड्रैग करेंगे, हम जाएंगे रिक्वायरमेंट पे, यहाँ पे लिखा है एडमिशन प्री रिक्विजिट्स, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे इंग्लिश के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, दिख जाए। तो अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश प्रूवन बाय आइदर ऑफिशियल टेस्ट स्कोर्स डॉक्यूमेंट्स टॉफल मिनिमम 90 और आइल 6.5, यानी कि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी के लिए उन्होंने आइल्स मांगा है। और दूसरा यहाँ पे ध्यान से पढ़ी लिखा है कॉन्फर्मेशन दैट द बैचलर्स प्रोग्राम वॉज टॉट कम्प्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि ये लाइन बहुत कुछ कह देती है, यानी कि या तो आप आइल्स दे दो इनको, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपने पूरी बैचलर डिग्री इंग्लिश में की है तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कोर्स किसके लिए नहीं चाहिए, इस कोर्स के लिए। और सबसे अच्छी बात आप देखते हो, फीस भी देख सकते हो, नो ट्यूशन जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव फीस टू द स्टूडेंट यूनियन, यानी कि आपको पता है पब्लिक यूनिवर्सिटी तो फीस यहाँ पर नहीं है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया लिटरली शो करके कि हाँ, अगर बैचलर डिग्री आपने की है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको आइल्स की। एक मैं और दिखा देता हूँ आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में ताकि मोर एग्जांपल्स आपके सामने रहेंगे। देखो ये है फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, इनका ये प्रोग्राम है एडवांस्ड आर्किटेक्चर MA। सो इन्होंने भी पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पर, हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, इन्होंने लिखा हुआ है 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर है, लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, लिखा है क्लियर इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इन्होंने लिखा है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, तो हम इसमें पढ़ लेते हैं। अब इन्होंने क्लियर लिखा है इंग्लिश के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सो आप देख सकते हो कि एज एडवांस्ड आर्किटेक्चर इज टॉट इंटायरली इन इंग्लिश, देर इज़ नो नीड टू हैंड इन अ जर्मन लैंग्वेज, यानी कि कोर्स पूरा इंग्लिश में, तो जर्मन लैंग्वेज का इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आगे लिखा है सर्टिफिकेट, हाउ एवर प्लीज नो दैट एन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट इज मैंडेटोरी, द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स विल बी एक्सेप्टेड टॉफल IBD 79 और IELTS 6 और कैम्ब्रिज फर्स्ट सर्टिफिकेट कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल, यानी कि आप इस कोर्स के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपको टॉफल आइल्स देना है। और आगे इन्होंने लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हो आप, एग्जाम्पशन, यानी कि आपको वेवर कर दिया जाएगा, आपको छूट दी जाएगी अगर लैंग्वेज ऑफ कंप्लीट बैचलर प्रोग्राम वॉज इंग्लिश, यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री इंग्लिश में की है तो आपको आइल्स टॉफल किसी की ज़रूरत नहीं है। तो पूरी वीडियो में मैंने आपको ये समझाया, अगर आपके पास आइल्स टॉफल नहीं है, बैंड कम है, आपकी इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं देना चाहते तो मत दो।
जर्मनी में आप एडमिशन ले सकते हो। मैंने एग्जांपल दिए, मेरे पास और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ, बट बहुत टाइम लगेगा। सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनली ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें, ताकि अगर आपको आइल्स नहीं देना तो मत दीजिए, बट आपका एडमिशन ईजिली हम जर्मनी में करा देंगे। तो आप एडमिशन ले सकते हैं, हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटी में बिना आइल्स के एडमिशन करा देंगे, एक्सेप्ट मेडिसिन। मेडिसिन में हमेशा जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कोर्स पूरा होता है, बट बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री मैंने आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी दिखा दी है, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जर्मनी की, उनमें भी नहीं चाहिए। सो आई होप कि पूरा आप समझ गए हो। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें पर्सनली एडमिशन लेने में जर्मनी में। सो नाउ फाइनली आपने अपनी आंखों से देख लिया है कि ये जो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल मैंने दिखाए हैं, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, चाहे बैचलर डिग्री हो चाहे मास्टर डिग्री हो, इन्होंने बिल्कुल कहा है कि नहीं चाहिए इनको आइल्स एंड टॉफिल। सो बहुत ईजी है, ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको शो किए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं जो आइल्स नहीं मांगते, टॉफिल नहीं मांगते। सो यस, कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको दिखाए थे। सो अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए तो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी हम सिखाते हैं ऑनलाइन और हमारे इंस्टीट्यूट में। अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा जर्मनी का लगाना है तो वो भी लगाते हैं हम। इसके अलावा अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो वो भी लगाते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस फॉर यू। आपको जर्मनी जाना है, अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। सो यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट अस, अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हैं, एंड देन वी विल हेल्प यू थोरली। आपकी हर चीज़ में मदद करेंगे, चाहे वीज़ा स्टडी वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, एडमिशन लेना हो, कोई भी आपका कंसर्न हो। सो नाउ थैंक यू सो मच। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली जर्मनी की और दूसरी कंट्रीज़ की वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो फाइनली थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए।